हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि काइन मास्टर में आप कैसे मास्किंग, कैसे पैन और स्पैन और कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसके लिए सर हमें कुछ पिक्चर चाहिए होगी। जो इसमें जो पिक्चर हम लातेंगे, इसमें पहले तो एक मीडिया से हमने बताया था, स्प्लिट आपको सिखाने के लिए एक मीडिया से लाया है, और एक आप जब दूसरी पिक्चर लाते हैं यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से मीडिया ले आते हैं। तो दो तरह से पिक्चर लाई जा सकती होगी, या तो केवल मीडिया से आप लाइए और या तो केवल आप मीडिया पे लाने के बाद लेयर से ले आइए। तो जब आप दूसरी फ़ोटो लाइएगा तो यहाँ पर ये देखिए, इस फोटो में स्प्लिट स्क्रीन आ जाएगा। तो आप जब इसको करिएगा तो ये फ़ोटो दाईं तरफ हो जाएगी, और जब ये फ़ोटो पे करिएगा तो ये फ़ोटो पे पैन और स्पैन करके हम लोग ने इसको वहाँ पे सेट कर दिया है। और आप जब आए हैं तो ये फ़ोटो छोटी थी, इसको पैन और जूम किया गया है। इसको देखिए, छोटा भी कर सकते हैं आप और बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बड़ी पिक्चर लगाइए तो इसको ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में टेक्स्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट करके टेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा मिशन बर्थ डे हंगामा। तो यहाँ पर हम ये देखिए, आपका टेक्स्ट भी आ गया। ये टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा है तो इसको आप चाहते हैं कि ये दिखे, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट लेयर पर जाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर दबाइए, देखिए आपको टेक्स्ट दिखने लगेगा। इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, आप किस जगह पर रखना चाहते हैं, सेंटर, हॉरिजेंटल कर दिया। और वापस आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, फॉन्ट में आप छोटा बड़ा जो जिस टाइप का चाहिएगा लिख सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं जिससे वो कुछ देखे यहाँ पर, और ये मिशन बर्थडे हंगामा यहाँ पे आए। अब यहाँ एडिट में गए जब, तो यहाँ पे देखिए बर्थडे में बी बड़ा कर सकते हैं आप, इसको बी बड़ा किया, बर्थ डे हंगामा एम होगा यहाँ पे हंगामा। अब यहाँ पे ये देखिए आपका आ गया। अब इसमें आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने रेड कलर ले लिया तो ये रेड में आ जाएगा। अब इसमें आउट, रोटेट, मिरर, ब्लेंडिंग, इसकी स्टाइल देखना चाहते हैं आप एनेबल कर दीजिए। ये देखिए आपका ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। अब ये देखिए मिशन बर्थडे हंगामा, बच्चा गाड़ी में फादर से कह रहा है चलो बर्थडे का सामान लेके आते हैं। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पर दो सीन फिर वैसे ही लिया और स्प्लिट करके यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन देखिए लगा हुआ है। स्प्लिट स्क्रीन किया तो ये जो दूसरी पिक्चर है यहाँ पर आ गई। इसमें कई पिक्चर है तो इसको छोटा करके यहाँ पर ये सेट कर दिया। हमको जो सीन दिखाना है स्प्लिट स्क्रीन करके सेट किया। स्प्लिट स्क्रीन और पैन और स्कैन स्पैन में यही फ़र्क है कि स्प्लिट स्क्रीन में हम जो दूसरी सीन लाते हैं वो हम यहाँ से ले आएंगे। जब ये इसको करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए आप दूसरी सीन यहाँ से ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए वही बच्चे जो होंगे पहले देख रहे हैं और फिर उसके बाद ले रहे हैं। अब ये रेस्टोरेंट पहुँच गई और यहाँ पर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग।
अब इस वाले सीन को हम लोग स्प्लिट स्क्रीन करेंगे या जूम पेन से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्प्लिट स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे पेन और जूम हो ही गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक सीन यही वाला ऐड करते हैं। तो यहाँ जा कर के जब हम यहाँ से लेंगे तो इसमें देखिए खाने वाला सीन कहाँ पे है, ये रहा। तो ये छोटा आया, इस सीन को क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट होने के बाद स्प्लिट स्क्रीन करेंगे। जब स्प्लिट स्क्रीन राइट करिएगा तो ये देखिए ये आ गया और आपका यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन था इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको ये नहीं चाहिए, हमने एक ही सीन में दो चीज कर दी। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट बनाएंगे हम लोग, इस तरह से तीन लेयर लाएंगे। अब तीन लेयर लाते कैसे हैं ये देखते हैं। इसको अब रन करके आप देखिए तीन लेयर हम दिखाना चाह रहे थे आपको, तो ये कैसे रन होती है। तो दो में वीडियो है और एक में आपका सिंपल वीडियो है। अब यहाँ पे ये देखिए दो फिर से आ गए। अब इनमें हम तीन लेयर सेट करते हैं। पहला ये है, इसको हम लोग ने सेलेक्ट किया, इसको पैन जूम करेंगे, इसको छोटा करेंगे। आपको ट्रिपलेट बनाना बता रहे हैं, इसको छोटा करेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे मीडिया में जाएंगे और फिर ले आएंगे। तो इसमें लाने के लिए हमको कौन सा वीडियो चाहिए, ये वाला ले लेते हैं। ये देखिए ये आ गया, तो इसमें एक और आ गया। अभी ये वाला छोटा हो गया, ये वाला आ गया। अभी एक और लेयर हमको चाहिए, तो अब इसको बराबर से देखिए इसके सेट करिए, इसको दबाए रहिएगा और फिर जब थोड़ा सा सरकाइएगा तो ये आ जाएगा अपनी जगह पे। ये देखिए है ना। अब इसको इधर से कम कर दीजिए तो दूसरी लेयर आ गई। तो इसी लेयर को ले लेते हैं, इसको क्या किया डुप्लीकेट किया। अब जब डुप्लीकेट किया और इसको थोड़ा से बढ़ा देंगे, ये आया। अब तीसरी लेयर जो बनी, यहाँ से लेयर देख लीजिए कि कहाँ बनी, तो ये दिख रही है। अब इसको देखिए पकड़िए और इसको यहाँ से सेट करिए, सेट हुई। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए। अब वहाँ चल के देखते हैं कि क्या आया। ये देखिए वही लेयर सेम एक और आ गई, यहाँ से ये वाली लेयर थी, ये हुआ। ये वाली को इसके बराबर करिए जिससे इसमें मैच करे, ये आई। इसको स्प्लिट स्क्रीन नहीं करेंगे हम लोग। फिर तीसरी लेयर जो है ये वाली, इसको भी सेट करेंगे। एक में फ्रॉक ब्लैक वाली राइट में, एक में लेफ्ट में है, तो ये सेट हो गई। अब ये जब सेट हुआ तो इसको हम लोग बड़ा करके बीच में सेट कर देंगे। तो ये देखिए तीन आपकी चीज़ें सेट हो गई, आपकी तीन लेयर सेट हो गई, हो गई। तो इसको थोड़ा से करें जिससे इससे से दिखे वो, तो ट्रिपलेट लेयर आपकी बन गई। अब इसमें आप एनिमेशन डालते हैं तो ब्लिंक स्लो कर सकते हैं, ये फ्लिकर कर सकते हैं, पल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फोटो हैं तो इसमें जिटर कर सकते हैं, है ना, फाउंटेन कर सकते हैं, ढेर सारी फोटो आने लगेगी, रिंग कर सकते हैं बीच में, फ्लोटिंग कर सकते हैं, ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं,
तो हम लोगों को अभी एनिमेशन नहीं डालना है तो नन कर देंगे, क्योंकि फिर फोटो नहीं दिखेगी। और मेरा एम ये है कि फोटो बच्चों की दिखे। ओवरऑल एनिमेशन में क्या होगा, ब्लिंक स्लो करेंगे, ये देखिए वही सारी चीजें इसमें भी हैं। हमें कुछ नहीं करना है, वापस आ गए। अब आपका स्प्लिट स्क्रीन भी हो गया, पैन और स्कैन भी हो गया, और ट्रिपलेट भी हो गया। ये हमने स्प्लिट स्क्रीन से बनाया, दो फोटो इसमें भी पड़ी है। बच्चे अपने हाउस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बर्थडे में केक को काट रहे हैं। यहाँ पे ये वाला थोड़ा से इधर करें, ये आया, और इस वाले सीन को रन करके देख लीजिए। इस वाले सीन को रन करके देख लीजिए, देखिए एक में जूम लगा दिया था तो वो बड़ा। यहाँ पर आकर अब कोई पिक्चर हम लोग लाते हैं, तो कोई पिक्चर लाने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और मीडिया में जाएंगे और पिक्चर लाएंगे, पिक्चर लाके यहाँ पर लगाएंगे। तो पिक्चर कौन सी लगाएं ये देखना है, फोटो खींच रही थी ना, तो ये वाली ले लेते हैं। ये वाली लिया, इसको यहाँ ऐसे सेट किया इसको, तो एक पिक्चर और ले आएंगे, इसको सेट किया, इसको बीच में सेट कर रहा है ना, तो बीच में सेट कर लेने दीजिए। अब एक पिक्चर और लाएंगे, तो एक पिक्चर और लाने के लिए यहाँ से गए और फिर से एक पिक्चर लाए, यहाँ पर गए, यहाँ पर आपकी हम लोग मीसा वाली पिक्चर लाएंगे। तो यहाँ पर जाकर ये पिक्चर जब लाएंगे तो इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। और स्प्लिट टू स्क्रीन करेंगे, तो ये देखिए ये पूरे में आ गए, इसको छोटा कर दें। ये अब ये पिक्चर हमें ऊपर लानी है, तो यहाँ पर जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। तो ये देखिए अब आपकी पिक्चर तीन वाली बन गई, जिसमें आप जो चाहिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ट्रिपलेट बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों रन करते ही हुए दिखाइए। अब यहाँ पर आए, अब बच्चों का बर्थडे ख़त्म हो गया, बड़े भाई ने गिफ्ट दे दी, अब उसके बाद इसको प्ले करेंगे। इसमें जूम और वो लगा दिया है, एनिमेशन, अब बच्चा थक गया सो गया, तो अब बर्थडे पार्टी फिनिश। तो इस तरह से बर्थडे पार्टी का पूरा वीडियो बन गया। इसमें आप टेक्स्ट चाहिए, इसमें स्टिकर चाहिए, तो आप ये लगा सकते हैं। अब स्टिकर लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे, स्टिकर में जाएंगे। अब स्टिकर में तो लिमिटेड ही आपको, तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए ये लिया हमने और इस बच्चे के सिर पे लगा दिया, तो सबसे छोटा यही है तो यही लग पाएगा। तो ये हो गया, तो स्टिकर भी लगाना हमने आपको बता दिया। अब स्टिकर में एनिमेशन लगाना है तो पॉप कर दीजिए, ये आ गया। अब आगे बढ़े, मिशन बर्थडे हंगामा। अब हमें और ऐड करने हैं टैक्स, तो यहाँ पर फिर गए टैक्स में, करा एंट्री,
ज्यादा नहीं लिखेंगे ना बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। एंट्री किया, फिर इसको रन करके देख लीजिए आप। अब यहाँ पे बच्चे को एंट्री जो लिखा है, एंट्री यहाँ से इसको हटा देंगे, इसमें यहाँ पर करेंगे एडिट, हो ही गया है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे अटैक टू गेट स्टफ, अब यहाँ पे बच्चे अटैक कर रहे हैं पापा के ऊपर कि पापा स्टफ दिलाओ। अब और अच्छा करना है तो अब इसमें रन करेंगे, रन किया आगे बढ़े, देखें अपना वीडियो सही हुआ कि नहीं हुआ। तब यहाँ पर बच्चों को देखिए खिलौना मिल गया, तो यहाँ पर फिर से आपको अगर टेक्स्ट डालना है तो फिर यहाँ जाएंगे या स्टिकर डाल देते हैं, हार्ट डाल देते हैं, बच्चों को मिल गया तो फादर को लव करते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और इसमें एनिमेशन लगा दिया पॉप का, तो अचानक आएगा या स्लाइड राइट, स्लाइड अप, काउंटर क्लॉक वाइज ड्रॉप, स्केल अप, स्केल डाउन, ये बहुत सी चीजें इसमें से हमने पॉप डाल दिया। अब पॉप डाल दिया, आगे बढ़े, यहाँ पे बच्चे पहुँच गए खाना खाने। अब वहाँ पे रेस्टोरेंट में बारबेक्यू में पहुँचे और वहाँ पर ये आ गया, और फिर इसके बाद घर पहुँच के बैलून ने इंजॉय किया, और इंजॉय करने के बाद फोटो खींची कुछ उनके अपने होम के साथ जो उन्होंने परचेज किया अपने बर्थडे के लिए। इसके बाद बड़े भाई ने गिफ्ट दी और फिर मिशन ख़त्म हुआ, बच्चा थक गया सो गया, हैप्पी बर्थडे ख़त्म हो गया। अब सारा बर्थडे तो हो गया, तो जहाँ पे बच्चे खा रहे हैं वहाँ पर आप बच्चे को, अभी ये वीडियो और अच्छा हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। इसमें हम लोग केक डाल सकते हैं, इस वाले में, ये वाले में। अब यहाँ पर लेयर में गए, स्टिकर में गए, देखें इसमें केक है नहीं है, तो बरिये है केक, तो ये केक हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि बर्थडे का है सब, तो केक डाल सकते हैं। और जो शुरू में टेक्स्ट डाला है ये वाला, इसको हम ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से प्ले करके वीडियो देख लीजिए कि ठीक बना कि नहीं बना। तो हम लोग स्टार्टिंग से वीडियो एक बार पूरा रन करेंगे। छोटी क्वीन कार के साथ गई फादर के साथ। अब यहाँ पे ये देखिए ये गड़बड़ हो गया, तो ये यहाँ पर से ये हटाना पड़ेगा और या ऊपर करना पड़ेगा।
इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से हटा दिया। अब फिर से रन करके देखिए, तो एडिटिंग में तो बहुत मेहनत है, और इस तरह से बच्चों ने खिलौना खरीदा, सामान खरीदा, अपने पसंद का खाना खाया, बर्थडे मिशन के लिए बैलून्स ले आए जिसको उन्होंने एंजॉय किया, थ्री लेयर्स आपको हमने बना के बताई, स्प्लिट बताया, स्पैन बताया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चों के साथ ये बना केक, बच्चों ने काटा, बड़े भाई ने गिफ्ट दिया, और मिशन ख़त्म, बच्चा थक गया, सो गया। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, आई थिंक कि बहुत मेहनत लग गई। अब जब वीडियो कंप्लीट हो गया तो हम लोग इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम लोग यहाँ से दबाएंगे, तो यहाँ पे FHD 108030 आ जाएगा, सेव एज वीडियो कर देंगे तो हमारा वीडियो सेव हो जाएगा।